बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों क्या हाल है आपका? देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि आपको स्कूल की तरफ से समर वेकेशन टास्क दे दिया गया है, अप्रैल की वर्किंग जो आपको दी गई है। देखिए स्टेप नंबर वन जो है उसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स दे दिया गया है, ठीक है, और ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं आपके www.alight.alfajr.com पे मौजूद है। अगर आपको किसी भी किस्म की क्यूरी या कोई प्रॉब्लम है तो आप 181 पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है, और अपना होमवर्क या आपका जो समर टास्क है स्टेप वन का आप 11 मई तक जमा करवा सकते हैं। ये बेटे देखें कुछ बच्चों ने ये जमा करवा दिया, तकरीबन काफ़ी बच्चों ने जमा करवा दिया ये होमवर्क, ठीक है। इस होमवर्क के अंदर जो आपको जो चैप्टर करवाया गया है, इस चैप्टर के तमाम लेक्चर्स, ठीक है, टॉपिक वाइज आपको तमाम लेक्चर्स डिलीवर कर दिए गए हैं, अपलोडेड हैं तमाम लेक्चर्स। आप उन लेक्चर्स के मुताबिक, ठीक है, हर लेक्चर्स के मुताबिक जो है ये होम टास्क जो है वो तैयार किया गया है। इस होमवर्क के अंदर ना सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं बल्कि लॉन्ग क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। अगर आप इस होमवर्क को अच्छे तरीके से करेंगे तो आपकी जो प्रेपरेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है बेटे। आप तमाम बच्चों ने 11th ऑफ मई तक ये अपना होमवर्क सबमिट करवाना है, ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से करना है, ठीक है बेटा। आप इसके बाद देखिएगा आपके पास जो है जो स्टेप टू आएगा, स्टेप टू के अंदर आपको स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया जाएगा। बेटा इसमें मई की वर्किंग है आपकी, ऑनलाइन लेक्चर इसके भी आपको 11th मई के बाद आपको इसके लेक्चर्स भी डिलीवर कर दिए जाएंगे, और इसका जो होम टास्क है ये होम शीट्स जो हैं ये आपको 181 पार्क ब्लॉक में आप विजिट करें, वहां से आप हासिल कर सकते हैं। पहले आपको स्टेप वन की वर्किंग जमा करवानी होगी, तमाम टीचर्स इसको चेक करेंगे और उसके बाद आपको ये रिटर्न कर दिए जाएंगे। इसी तरह जब आप स्टेप वन की वर्किंग को सबमिट करवाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपको स्टेप टू की वर्किंग दे दी जाएगी, और इसकी सबमिट करवाने की डेट जो है वो भी आपको स्कूल मैनेजमेंट जो है अगर आप 181 पार्क ब्लॉक में विजिट करें तो वहां आपको इसकी डेट बता दी जाएगी। तो बेटे इन इस जो है स्टेप वन की वर्किंग को आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है। तमाम टीचर्स ने इसको बड़ी मेहनत से तैयार किया है, और बोर्ड के पेपर्स को मद्देनजर रखते हुए, जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इनको तैयार किया गया है। बड़े बेहतरीन किस्म के शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें लिखे गए हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह करना है, ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको वक्त पर सबमिट करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच।